अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आई का मैथ एक्सरसाइज 3.2। इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। फर्स्ट पार्ट है, आपको इक्वेशन दी हुई है 4x² - 11x + 6 = 0। ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या होती है, इसमें एस की हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें एस की हाईएस्ट पावर 2 होती है, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हमने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस फार्मूले की मदद से इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो हम पहले पार्ट जो कहें, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a² + b² + c = 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब इसको आप सॉल्व करते हैं बाई कम्प्लीटिंग स्केयर, जब इसको आप सॉल्व करते हैं बाई कम्प्लीटिंग स्केयर, तो इसमें एस जो वैल्यू आती है, इसका जो सोल्यूशन आता है वो क्या होता है, s = -b + √(b² - 4ac/2a)। तो इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी इस फार्मूले की मदद से आपने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, हमें ए बी और सी की वैल्यूज लिखनी है। तो दिस इम्प्लाइज a = तो s² के साथ a होता है, s के साथ b होता है, तो b = क्या है, -11। जो कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ s ही होता है, ये वाला c होता है। तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -11 और c की वैल्यू 6 है। अब हमें क्या लिखना है, फार्मूला लिखना है। क्या लिखना है, फार्मूला s = -b + √(b² - 4ac/2a)। ये फार्मूला लिखा, अब इसका क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है ए बी और सी की। s = -sign लगाया, ये वाला माइनस है, फिर बी की वैल्यू क्या है, -11। ये माइनस पहले से मौजूद है, फिर बी की वैल्यू 2 माइनस हो गया, डबल माइनस हो गया, फिर प्लस माइनस, फिर बी की वैल्यू -11 और इसका स्केयर -4a की वैल्यू 6 है। वैल्यू स्पोर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाई 2a, 2 into 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना बस, तो 2 माइनस मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं, प्लस में चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस 11 माइनस। जब स्केयर लेते हैं, जब भी किसी आप नेगेटिव नंबर का स्केयर लेते हैं, वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। जो स्केयर होता है वो माइनस साइन को ख़त्म कर देता है। तो -11 का स्केयर कितना रहेगा, 121। -4 × 4 = 16। 16 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 16 साथ कितने होते हैं, 96। 16 × 6 = 96 डिवाइडेड बाई 2 × 4 = 8। दिस इम्प्लाइज s = 11 + -121 में से 96 माइनस करेंगे तो ये 25 आ जाएगा ओवर 8। दिस इम्प्लाइज s = 11 + -1 25 का स्केयर रूट कितना होता है, 5 होता है, 5/8। अब इसको आपने a दफा प्लस करना है, a दफा माइनस करना है। s = 11 + 5/8 और s = 11 - 5/8। s = 11 + 5 कितना हो गया, 16/8 और s = 11 - 5 - करें तो 6/8। तो दिस इम्प्लाइज s = a² = 16। s की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, s = ये दोनों 2 के टेबल से कैसे हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 3/4। आखिर में क्या लिखना होता है, सोल्यूशन सेट लिखना होता है। आखिर में सोल्यूशन सेट लिखते हैं, सोल्यूशन सेट = 2 / 3/4। ये आपका आंसर आया। तो अच्छा, मैं 3 का फर्स्ट पार्ट हमें कर लिया, 2, 3/4। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखें, वो भी आसान है, सारे आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो सेकंड पार्ट इसका करते हैं, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन दी हुई है 4s² - 2x = 55। ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
इसका भी सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले क्या करना है, जो 55 है इसका हम लेफ्ट साइड के ऊपर ले आएंगे, राइट हैंड साइड को जीरो कर देंगे ताकि ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। 4s के माइनस 2s माइनस 55 इज इक्वल टू जीरो। अब ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू माइनस 2 और सी की वैल्यू माइनस 55। ए बी सी की वैल्यू लिखनी है, अब क्या करना है, फार्मूला लिखना है। एस इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और सारे का स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाई 2a। फार्मूला लिख दिया, अब इसकी ए बी सी की वैल्यू सपोर्ट कर दी है, ये माइनस आए कि बी की वैल्यू माइनस 2 है प्लस माइनस बी की वैल्यू माइनस 2 इसका स्क्वायर ये माइनस 4a की वैल्यू 4c की वैल्यू माइनस 55। सारी हमने वैल्यू सपोर्ट कर दिया, फिर नेचर 2a 2 के साथ a लिख रहे हैं 2 × 4। अब इसको सिंप्लीफाई करना, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। जब स्केयर लेंगे तो माइनस होगा तो प्लस 4 हो जाएगा, ये माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। 4 × 4 = 16, तो 16 को मल्टीप्लाई कर दें 55 के साथ, 880 आ जाए नंबर। 880 डिवाइडेड बाई 2 × 4 = 8। दिस इम्प्लाइज एस इक्वल 2 प्लस माइनस प्लस कर दें 8 8 4 हो गया डिवाइडेड बाई 8। तो दिस इम्प्लाइज एस इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अब 884 देखें, जो 884 है ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 884 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे 884 का तो आपको फ्रेश जो आंसर है वो पॉइंट में आ जाएगा। 884 के जब आप स्क्वायर लेंगे आंसर आपका पॉइंट में आ जाएगा। इसका मतलब जो 884 है वो किसी का भी स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट जो वो होल नंबर नहीं होता है, 884 का स्क्वायर रूट होल नंबर नहीं होता। क्या करें, इसे फैक्टर बना रहे हैं 884 और 2 से डिवाइड करें, ठीक है, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 4, अब फिर मजीद डिवाइड नहीं होगा, ये 2 × 2 = 4। तो क्या हो जाएगा, जो 884 है इसका हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 21। तो इसको लिख लेंगे 4 × 2 = 21, जो 884 है इसको 4 × 2 = 21/8। तो दिस इम्प्लाइज एस इक्वल 2 + 1, जब 4 है 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा तो 221 ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा डिवाइडेड बाई 8। 221 का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट है वो होल नंबर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट कोई होल नंबर नहीं है, इस चीज़ का हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। आप 2 कामा ले लें, दोनों जगह से 2 आपने कामा ले लें, 2 कामा ले लिया, ये 1 हो गया प्लस माइनस ये भी 1 हो गया, 221 आ गया डिवाइडेड बाई 8, 2 × 4 = 8। तो दिस इम्प्लाइज एस इक्वल 1 + −221 इसका स्क्वायर रूट ओवर 4। अब यह सिंप्लीफाई नहीं होगा, इस चीज़ को आपने ऐसे लिख देना है, सोल्यूशन सेट इसका इकट्ठे लिखेंगे, ब्रैकेट लगा दिए 1 + −221 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस इज योर आंसर। ये थर्ड पार्ट करते हैं इसका, थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में इक्वेशन दी हुई है 2s² प्लस 7x इज इक्वल टू 15। तो इसमें क्या सबसे पहले क्या करना है, जो 15 है इसका हमने लेफ्ट साइड के ऊपर लेकर आना है, तो दिस सिंबलाइज 2s² प्लस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो a की वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू प्लस 7 होगी, b की वैल्यू इसमें प्लस 7 है और c की वैल्यू माइनस 15। जो साइन है प्लस माइनस उसकी आपने बड़ी एहतियात करनी होती है। अब आपने क्या लिखना है, फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यू सपोर्ट कर देंगे ए बी सी की, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 7 है प्लस माइनस
7 square 4 2 minus 15 a b c की वैल्यू लगा दी हैं डिवाइडेड बाय 2 है 2 इंटू 2 दिस इंप्लाइज s इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर कितना आता है 49 ये माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे 4 2 जर 8 और 15 8 रन कितना आता है 120 डिवाइडेड बाई 2 जर 4 दिस इंप्लाइज s इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस प्लस का आते कितना आ जाएगा 169 ओवर 4 169 का स्क्वायर रूट क्या आता है s इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस जो स्क्वायर रूट है 169 का ये कितना होता है 13 होता है ये 13 का स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट 13 हो जाएगा 13 ओवर 4 अब इसको एक दफ़ा प्लस कर देना और एक दफ़ा माइनस कर देना है ऐसे कर लो माइनस 7 प्लस 13 ओवर 4 दरमियान में और लिखना है ऐसे कर लो माइनस 7 माइनस 13 ओवर 4 तो दिस इंप्लाइज ऐसे ही कर लो तो 30 में से 7 माइनस कर दें तो 30 माइनस 7 कितना आ जाएगा जी 30 में से 7 माइनस करें तो 30 माइनस 7 कितना होता है 6 ओवर 4 फिर दोनों का साइन माइनस है जब दोनों का साइन माइनस सब क्या करते हैं माइनस साइन लगा कर दोनों को प्लस कर देते हैं तो कितना आ गया 20 ओवर 4 ये 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा 2 2 जो 4 2 3 जो 6 तो दिस इंप्लाइज s इक्वल टू 3 ओवर 2 और s इक्वल टू ये 4 5 जो 20 माइनस 5 आ गया तो सॉल्यूशन सेट इसका लिख देंगे सॉल्यूशन सेट इसमें दो नंबर्स माइनस 5 और 3 ओवर 2 दोनों को लिख दें माइनस 5 और 3 ओवर 2 जिसका मर्जी पहले लिख दें चाहे इसका पहले लिख दें चाहे इसका पहले लिख दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता 3 ओवर 2 और माइनस 5 दिस इज योर आंसर फिर इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है पार्ट नंबर 3 की है पार्ट नंबर 4 करते हैं तो पार्ट नंबर 4 है इसका जी पार्ट नंबर 4 इसका s square प्लस 7 ओवर 6 एक्स इज इक्वल 1 ओवर 2 अब देखें यहाँ पर फ्रैक्शन आ गई है तो फ्रैक्शन को ख़त्म कर लेंगे तो 2 और 6 का एलसीएम क्या उतना होता है 6 होगा 2 3 जर 6 तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 6 के साथ ताकि फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए मल्टीप्लाई बाई 6 इसका भी और इसको तीनों टर्म्स को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 6 इंटू एस केयर 6 इंटू 7 ओवर 6 एक्स 6 इंटू 1 ओवर 2 सभी को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 एस केयर हो गया ये इसके साथ कट गया 7 एस रह गया 2 3 जर 6 तो 3 1 जर 3 ये 3 हो गया और 3 को लेफ्ट साइड पर ले आएंगे दिस इंप्लाइज 6 एस स्क्र प्लस 7 एस माइनस 3 इज इक्वल टू 0 अब ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है ए इज इक्वल टू 6 आ गया बी इज इक्वल टू 7 आ गया सी इज इक्वल टू माइनस 3 हो गया अब क्या करना है फार्मूला लिखना है एस इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4 ए सी ओवर 2 है फार्मूला लिखा इसमें ए बी सी की वैल्यू सपोर्ट कर देनी है माइनस बी की वैल्यू कितनी है 7 है प्लस माइनस फिर 7 स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 6 है सी की वैल्यू माइनस 3 है सारे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 अभी इसको सिंप्लीफाई करना है एस इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस हो गया तो तीनों का मल्टी 4 6 24 24 3 जर 72 सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 6 जर 12 तो दिस इंप्लाइज एस इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करें प्लस कर दें 9 प्लस 2 11 121 प्लस करने से 121 आ गया डिवाइडेड बाई 12 दिस इंप्लाइज एस इक्वल टू माइनस 7 तो 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है 11 बाई 12 अब एक दफ़ा प्लस कर देंगे एक दफ़ा माइनस कर देंगे माइनस 7 प्लस 11 ओवर 12
और एस इक्वल टू माइनस सेवन माइनस अलेवन ओवर ट्वेल्व। तो दिए सिंपल एस इक्वल टू अलेवन में से सेवन माइनस करें फोर ओवर ट्वेल्व, ये दोनों का साइन माइनस है तो माइनस से अगर प्लस कर देंगे एटीन ओवर ट्वेल्व। तो वन ओवर फोर वन जै फोर फोर थ्री जै ट्वेल्व, एस इक्वल टू क्या होगा वन ओवर थ्री। यहाँ से एस इक्वल टू सिक्स टू जै ट्वेल्व सिक्स थ्री जर एटीन माइनस थ्री ओवर टू। तो सोचा सर लिख देंगे एस एस इज इक्वल टू वन बाई थ्री माइनस थ्री ओवर टू। ये इसका सोशल सेट आ गया पार्ट नंबर फोर का वन बाई थ्री थ्री ओवर टू। अब ये थ्री टू बड़ा है ना, ये वाला थ्री बड़ा है तो थ्री को टू के साथ डिवाइड करते हैं, टू वन या टू बाकी कितना है बचा वन। इसको यूँ भी लिख सकते हैं वन ओवर थ्री माइनस थ्री का को टू से डिवाइड किया वन होल वन बाई टू, इसको वन होल वन बाई टू। इसको यूँ भी चाहे इस तरह लिखें चाहे इसको आप इस तरह, तो बेहतर ये है कि आपको इस तरह लिखें वन होल वन बाई टू की फॉर्म में लिखें इसको आप। फिर नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट नंबर फाइव। तो पार्ट नंबर फाइव में देखें इक्वेशन दी हुई है वन ओवर टू एस माइनस फाइव, वन ओवर टू एस माइनस फाइव प्लस फाइव ओवर टू एस माइनस वन, फाइव ओवर टू एस माइनस वन इज इक्वल टू टू। तो इसको पहले हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम का आएगा टू एस माइनस फाइव इंटू टू एस माइनस वन, ये एलसीएम आ गया ठीक है। तो टू एस माइनस फाइव वन वन इंटू ये वाला इसके साथ काटिएगा टू एस माइनस वन आ जाएगा, प्लस टू एस माइनस वन काट गया ये इसके साथ आ जाएगा फाइव इंटू टू एस माइनस फाइव इज इक्वल टू टू। अब वन के साथ मल्टीप्लाई करें इसको तो क्या आएगा टू एस माइनस वन ही आएगा। इसको फाइव से मल्टीप्लाई करें फाइव टू ज़ार टेन एस, फिर फाइव फाइव ज़ार ट्वेंटी फाइव। तो इनको भी मल्टीप्लाई कर दें टू एस को टू का टू एस के साथ मल्टीप्लाई करें टू टू ज़ार फोर एस के, फिर टू एस को प्लस वन के माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करें टू एस इंटू माइनस वन कितना आ गया माइनस टू एस, फिर माइनस फाइव को टू एस के साथ करें माइनस टेन एक्स, फिर माइनस फाइव को माइनस वन के साथ प्लस फाइव इज इक्वल टू टू। तो दिस इम्प्लाइज टू एस, अब देखें टू एस के प्लस टेन एस, ये टू एस है ये टेन एस है कितना आ गया ट्वेल्व एस। तो माइनस वन माइनस ट्वेंटी फाइव कितना आ गया माइनस ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाई फोर एस किया है, ये हमने फोर एस किया लिख दिया। माइनस टू एस माइनस टेन एस कितना आ गया माइनस ट्वेल्व एस प्लस फाइव इज इक्वल टू। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला जो टू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये सारा नीचे आना डिवाइड हो रहा है टू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको टू इंटू फोर एस के आर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस फाइव, ये इसके नीचे टू के नीचे वन है तो वन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वन इंटू ट्वेल्व एक्स माइनस ट्वेंटी सिक्स। तो ये सिंपल है टू के साथ मल्टीप्लाई टू फोर जार एट एक्स के आर टू ट्वेल्व जार ट्वेंटी फोर एक्स टू फाइव जार टेन इज इक्वल टू वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेल्व एक्स माइनस ट्वेंटी सिक्स। अब एट एक्स के आर एट एक्स के आर माइनस ट्वेंटी फोर एक्स, ये ट्वेल्व एक्स इधर आकर माइनस आ जाएगा माइनस ट्वेल्व एक्स, ये प्लस टेन ये ट्वेंटी सिक्स इधर आकर प्लस होगा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो दिस इम्प्लाइज एट एक्स के आर माइनस ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेल्व कितना आ गया माइनस थर्टी सिक्स एक्स, ये प्लस थर्टी सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए सभी जो है वो इसमें फोर से डिवाइड, ये भी फोर से डिवाइड हो जाएगा, ये भी फोर से डिवाइड, ये भी फोर से डिवाइड हो जाएगा, सभी को फोर के साथ डिवाइड कर दें एट एक्स के डिवाइड सिंप्लीफाई हो जाएगा, आपकी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी। जब भी कोई कॉमन हो तो उसके साथ क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, उसका फ़ायदा क्या होता है आपकी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाती है। फोर टू ज़ार एट ये हो गया टू एस स्क्वायर हो गया फोर नाइन ज़ार थर्टी सिक्स, ये माइनस नाइन एस फिर फोर नाइन ज़ार थर्टी सिक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई टू, बी की वैल्यू माइनस नाइन, सी की वैल्यू प्लस नाइन। अब फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला क्या है एस इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है
माइनस पी ए की वैल्यू माइनस नाइन है प्लस माइनस माइनस नाइन स्क्वायर 429 ओवर 2a 2 इंटू 2। तो s इक्वल टू दिस इंप्लाइज s इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 9 प्लस माइनस तो माइनस नाइन का स्क्वायर प्लस 18 हो जाएगा माइनस माइनस नाइन का स्क्वायर प्लस 18 हो गया और ये वाला माइनस हमने किया तो कितना हो गया 4 2 8 4 2 8 8 9 72 डिवाइडेड बाई 4। अब देखते हैं इसके अंदर माइनस का साइन आ गया ऐसे कर 9 प्लस माइनस 18 माइनस 72 18 में से माइनस करेंगे इसके अंदर माइनस का साइन आ जाएगा तो माइनस का साइन आ गया माइनस 54 हो गया माइनस 54 डिवाइडेड बाई 4। इसके अंदर माइनस का साइन आ गया तो उसको आपने क्या करना है इसको ऐसे लिख देना है सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस माइनस 54 ओवर 4। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6 करते हैं पार्ट नंबर 6 देखिए इसका तो पार्ट छठा पार्ट है इसका पार्ट नंबर 6 तो पार्ट नंबर 6 है 3s² माइनस 1 इज इक्वल टू 11 ओवर 12 ऐसा। अब जहाँ पर फ्रैक्शन आ रही है तो क्या करें पूरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इम्प्लाइज 12 इधर आ डिवाइड और 12 डिवाइड हो रहा है इधर आकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री एस के माइनस वन के साथ सारे के साथ मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू 11x तो दिस इम्प्लाइज 12 3 36 s² 12 1 12 इज इक्वल टू 11s। अब 11s को आपने इस साइड के बल ले आना है 36s² माइनस माइनस हो जाए माइनस 11s माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है a की वैल्यू कितनी आ गई 36 b की वैल्यू माइनस 11 c की वैल्यू माइनस 12 तो फार्मूला लिख देते हैं फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a ये वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला वैल्यूज b की वैल्यू माइनस 7 है प्लस माइनस फिर माइनस 11 स्क्वायर 4a की वैल्यू 36 है c की वैल्यू माइनस 12 है डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू 36। अब इसको सिंप्लीफाई करना है 2 माइनस ए प्लस में चेंज हो गया तो माइनस 11 का स्क्वायर प्लस 121 ये माइनस से माइनस प्लस में चेंज हो गया इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 36 इंटू 12 ये 1728 आ गया डिवाइडेड बाई 2 इंटू 36 72 हो गया 11 प्लस माइनस इसमें प्लस कर दें 121 इसमें प्लस करेंगे ये आएगा 1849 डिवाइडेड बाई 72 तो दिस इंप्लाइज एस इक्वल टू 11 प्लस माइनस अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 1849 का स्क्वायर रूट ले रहे तो 43 आ जाएगा 43 डिवाइडेड बाई 72 तो दिस आप क्या करना है एक दफ़ा प्लस कर देना है और एक दफ़ा माइनस कर देना है 72 आर एस इक्वल टू 11 माइनस 43 ओवर 72 तो एस इक्वल टू 3 प्लस 1 4 4 प्लस 1 5 ओवर 72 और एस इक्वल टू माइनस कर दें माइनस का साइन 3 माइनस 1 2 4 32 ओवर 72। अब दोनों किसके टेबल से कैसे हो जाएंगे 18 के टेबल कैसे हो जाएंगे 18 3 = 54 84 = 72 ऐसे कर लो ये आ गया 18 के टेबल से 18 3 = 54 84 = 72 तो 3 ओवर 4 आ गया ऐसे कर ये दोनों किस टेबल से कैसे हो जाएंगे 8 के टेबल से 8 4 = 32 8 9 = 72 तो -4/9 कितना आ गया -4/9 तो सॉल्यूशन सेट इसका आ जाएगा सॉल्यूशन सेट 3/4 -4/9 ये इसका
सॉल्यूशन सेट आ गया। अब इसका जो पांचवा पार्ट है उसको एक दफा फिर चेक कर लेते हैं। पांचवा पार्ट है उसमें माइनस का साइन आ रहा था, जो पांचवा पार्ट है उसका एक दफा रीचेक कर लेते हैं कि कोई गलती तो नहीं हो गई। तो 1/2s-5 + 5/2s-1 इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन दिए पांचवा पार्ट से रीचेक करने लगा मैं, तो 2s-5 2s-LCM 1 × 2s-1 5 × 2s इज इक्वल टू 2s-1 + 10s-25। तो 4s² - 2s - 10x फिर प्लस 5 इज इक्वल टू 4s² × 4s² - 2s - 10s + 5 इज इक्वल टू 2s + 10s = 12s - 26 4s² - 12s + 5 इज इक्वल टू 1। 2 × 4s² - 12s + 5 तो 12s - 26 8s² - 24s + 10 12s - 26 8s² - 24s - 12s - 10 + 26 - 36 + 36 4 से डिवाइड कर दिया 2s² - 9s + 9 इज इक्वल टू 0। तो 2 - 9 + 9 -2 - 9 - 9 = 4, 2, 9 यही आ रहा है जी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।